हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय कराया था। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं हम भारत का मानक समय के बारे में। मानक समय क्या होता है कि किसी न किसी यानी कि कह सकते हैं प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है। मानक समय किसे कहते हैं कि ऐसी एक देशांतर रेखा जो उस देश के मध्य से होकर गुजरती है तथा उसी के आधार पर उस देश का समय निर्धारित किया जाता है, उसे मानक देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत का मानक समय 82° 30' पूर्वी देशांतर को माना जाता है। भारत का मानक समय GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, GMT से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए, जो ये ग्रीनविच है, लंदन जो ब्रिटेन का कैपिटल है, उसमें एक लैब है ग्रीनविच, उससे होकर यह रेखा गुजरती है, तो उसी के आधार पर इसको ग्रीनविच भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। उसी से पूरे विश्व के देशों का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उससे यह रेखा जो हमारी जो मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है, यानी कि जब आप ग्रीनविच मीन टाइम पे बारह बजते हैं दोपहर के, तब हमारे देश में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा से ही किसी देश के समय का निर्धारण होता है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। देखिए, जो ये देशांतर रेखाएं हैं, अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ये वर्टिकल खींची जाती हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ खींची जाती हैं। और जो भारत की प्रधान मध्य देशांतर रेखा है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है या MCQ में पूछ लेता है। आगे बात करते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की। वर्तमान समय में भारत में 28 states and 8 union territories है। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। देखिए, 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश हुआ करते थे। तो उस समय जो आपका जम्मू कश्मीर है, उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और उसके पुनः 2 भाग कर दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले 29 थे, तो उसमें से एक घट गया, 28 रह गए। अब पहले UT कितने थे? 7 थे और 2 बढ़ गए, 9 हो गए। फिर जो आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली हैं, उनको ज्वाइंट कर दिया गया है, तो इस तरह 8 रह गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। भारत की जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। देखिए, वैसे तो भारत में
छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप हैं, कह सकते हैं कि हजारों द्वीप हैं, ठीक है। तो भारत में अनेक द्वीप हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप हैं, ठीक है, जबकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। अगर हम द्वीप में क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर है, ठीक है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और एक और यहाँ पर बता दूँ, जो लक्षद्वीप की जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। तो इस प्रकार लक्षद्वीप जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी यूटी में सबसे छोटा है, ठीक है। और यूटी में सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा, पम्बन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप, माजुली द्वीप आदि भारत के ही द्वीप हैं। देखिए, जो श्रीहरिकोटा है आपने सुना होगा, यहाँ से भारत अपने उपग्रह लॉन्च करता है, ठीक है। और जो ये माजुली द्वीप है, ये एक नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, और यह असम राज्य में स्थित है, इम्पोर्टेंट है आपके जीके के दृष्टि से भी, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो माजुली नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत की सीमा से लगे हुए अनेक देश हैं। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल एवं भूटान, तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार को स्पर्श करती है। तो टोटल कितने राज्य देश हो गए? 7 कंट्री हमारे देश की सीमा को स्पर्श करती है। समुद्र पर हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका एवं मालदीव। इनसे हमारे देश की सीमा स्पर्श नहीं होती है, ये समुद्र पार देश कहलाते हैं। तो समुद्र पार पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका एवं मालदीव, ठीक है। जबकि जिन देशों से हमारे देश की सीमा स्पर्श होती है वे टोटल 7 देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, यानी कि जिसकी सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगी है वह देश कौन सा है? तो वह देश बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत से लगती है बांग्लादेश की। तो फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम किस देश की सीमा लगती है, तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर सीमा भारत से स्पर्श होती है, और यह भी प्रेजेंट टाइम में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भारत का सामान्य परिचय है। इसमें एक दो और कुछ बातें हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि भारत को मुख्यतः कितने जोन्स में बांटा जाता है। तो भारत को मुख्यतः 6 जोन्स यानी कि अंचलों में बांटा जाता है। पूर्वी अंचल यानी कि ईस्ट जोन, इसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आते हैं। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी अंचल यानी कि वेस्ट जोन, इसमें आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली आते हैं। नॉर्थ जोन में यानी कि उत्तरी अंचल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं लद्दाख आते हैं। दक्षिणी अंचल यानी साउथ जोन में आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पुदुचेरी आते हैं। मध्यवर्ती अंचल में यानी कि सेंट्रल जोन में आपका केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है। फिर नेक्स्ट है पूर्वोत्तर अंचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन, इसमें आपका असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। देखिए आप इनको अगर जोन्स में बांटकर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और ये भी याद रहेगा कि कौन सा राज्य किस जोन में पड़ता है या किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपके जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, सेवन स्टेट्स हैं, इन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी पुकारते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि सेवन सिस्टर्स किसे कहते हैं, तो जो ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं सात, उन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। फिर एक जो सिक्किम राज्य है वह इन सात स्टेट्स के पास में ही है, इसे हम ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मानक समय रेखा है वह हमारी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और वह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है, जबकि कुछ किताबों में इसे इलाहाबाद के नैनी से भी बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है वे एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, यानी कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं उसमें जो कर्क रेखा है जिसका मान 23 डिग्री 30 मिनट है वह हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं। वह एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है। ठीक है, यहाँ पे एक दो कुछ पॉइंट्स हैं वो बता दूँ आपको कि जैसे हिंद महासागर का नाम पूरे विश्व में एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, हिंद यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, वहाँ पे जाकर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है जिसमें हम रहते हैं वह कुल 8 राज्यों एवं 1 केंद्रशासित प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला देश उत्तर प्रदेश ही है और इसके साथ साथ 1 केंद्रशासित प्रदेश से भी सीमा बनाता है। ठीक है, और यहाँ एक और पॉइंट आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है एकमात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, यानी कि 4 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। कौन कौन से हैं, वे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के समझ में ये बातें आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।